हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे प्लॉट साइज 23 फीट बाय 35 फीट के लिए तैयार किए गए प्लान को। एक और रिक्वेस्ट था फ्रेंड, प्लॉट साइज 24 फीट बाय 35 फीट के लिए। तो दोनों केस में हल्का बदलाव के बाद इस प्लान पर आगे बढ़ सकते हैं। डुप्लेक्स प्लान है ये, फेसिंग ईस्ट एज्यूम कर प्लान तैयार किया गया। ग्राउंड फ्लोर में बेडरूम कहें या गेस्ट रूम कहें, के साथ साथ टॉयलेट, लॉबी, पार्किंग स्पेस और एक शॉप का प्रावधान किया गया है। जबकि फर्स्ट फ्लोर में दो बेडरूम के साथ साथ डाइनिंग हॉल का प्रावधान किया गया है, किचन और बालकनी का। प्लान के साथ साथ आज फ्रंट एलिवेशन, लेआउट प्लान, फाउंडेशन डिटेल और सेप्टिक टैंक डिटेल भी लेकर आए हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि इस प्लान पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो प्लान के साथ साथ अन्य डिटेल भी पीडीएफ के रूप में निःशुल्क उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं ग्राउंड फ्लोर का प्लान। सॉरी, पीछे 3 फीट का ये सेटबैक छोड़ा हुआ है, रियर सेटबैक 3 फीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, और आगे 5 फीट का सेटबैक छोड़ा हुआ है। उसके बाद में देखिए, इस साइड से आप एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पार्किंग एरिया है ये, जिसमें ये फ्रंट में रोलिंग शटर लगना है, जिसका साइज होगा 8 फीट 9 इंच बाय 7 फीट का। और ये रैंप दिया हुआ है, तो इसमें छोटी गाड़ी आसानी से पार्क हो सकती है। इसका साइज कुछ इस प्रकार है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 फीट, जबकि इस जगह से लेकर के यहाँ तक 12 फीट 6 इंच है। इसमें यदि शटर बाहर साइड से लगा रहे हैं तो यहाँ तक में एक छोटी गाड़ी आसानी से पार्क किया जा सकता है। और इस साइड से 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का एक डोर प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप एंट्री लेंगे एस्टेयर की तरफ। और यहाँ ये देख लीजिए, इसमें प्रोवाइड किया गया है सेल्फ, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 फीट है, और इस जगह से लेकर इसका डेप्थ रखा हुआ है 15 इंच। जी हाँ, ये 4 फीट बाय 15 इंच। और इस साइड में एक शॉप का प्रावधान किया गया है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 11 फीट है अप्रॉक्स। एक्चुअल साइज 10 फीट 11 इंच आ रहा है, जबकि यहाँ से लेकर के इस जगह से यहाँ तक 8 फीट 7 इंच आ रहा है। और ये स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ ये प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो ये 2.5 फीट का आ जाएगा आपका प्लेटफॉर्म थ्रू आउट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 फीट ऊंचाई है प्लेटफॉर्म का ग्राउंड लेवल से, और यहाँ से 6 इंच ऊपर इसका शॉप का ये फ्लोर रखा हुआ है। एक्चुअली प्लिंथ हाइट यहाँ भी 2 फीट 6 इंच है। ये रैंप भी उसी के हिसाब से दिया हुआ है, आप यहाँ पर आएंगे
तो पार्किंग एरिया ग्राउंड लेवल से यहाँ पर भी 2 फीट 6 इंच ऊपर रखा हुआ है। और ये पीछे में एक बेडरूम दिया गया है जिसका साइज कुछ इस प्रकार है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 फीट, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है 12 फीट। इस साइड में एक सेल्फ का प्रावधान किया गया है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 फीट 9 इंच है, और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 20 इंच है, 1 फीट 8 इंच। और इस साइड में 4 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का एक विंडो का प्रावधान किया गया है जो कि सील लेवल पर इस साइड में नीचे में स्लैब भर करके आएगा यहाँ तक, पूरा 10 इंच बाहर निकला हुआ। और ये टॉयलेट है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 फीट 6 इंच है, और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 7 फीट है। इसमें एक वेंटिलेटर का प्रावधान किया गया है जिसका साइज रखा हुआ है 2 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 3 इंच, और डोर का साइज है 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का, जबकि इस बेडरूम में भी डोर का साइज रखा हुआ है 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का। सभी डोर्स के ओपनिंग को दर्शा दिया गया है कैसे ये खुल रहा है इसका। और फ्रेंड ये सामने में लॉबी बन रहा है, इसका साइज है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 फीट 11 इंच, और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 8 फीट। और इसके पीछे में यहाँ देखिए यही स्टेयर केस बन रहा है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फीट है, इसमें 3 फीट की चौड़ाई में 2 फ्लाइट है। इस साइड से आप ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, और ये पीछे लैंडिंग है। और यहाँ पर फ्रेंड एक IG आयरन गेट का प्रावधान करें ताकि आप इस साइड से पीछे ये रियर सेटबैक में आ सकें। तो फ्रेंड ये था ग्राउंड फ्लोर का प्लान, और अब आइए देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का प्लान। तो फ्रेंड यहाँ पर ये देखिए ये यही आपका जो है सो स्टेयर केस है, इधर से अप इधर से डाउन किया हुआ है, तो फर्स्ट फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर। तो ये इसे ऊपर आते हैं, यहाँ लैंडिंग का साइज ये देख ही रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फीट 10 इंच है, जबकि इस जगह से लेकर के इस जगह तक आ जा रहा है 3 फीट 5 इंच। इस साइड में एक 2 फीट 7 इंच का वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है लैंडिंग पर। और ये सामने में आपका ये डाइनिंग हॉल है, ऐसे 11 फीट और ऐसे भी 11 फीट। इसमें एक साइड में इधर सेल्फ का प्रावधान किया गया है जो कि ऐसे चौड़ाई में यहाँ से यहाँ तक ये 6 फीट है, और ऐसे 15 इंच रखा हुआ है। उसके बाद में ये पीछे टॉयलेट यथावत है, नीचे में जैसे था ऐसे 4 फीट 6 इंच और ऐसे 7 फीट। इस यहाँ पर भी पीछे में एक वेंटिलेटर का प्रावधान किया गया है, D2 का साइज 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट रखा हुआ है। और इस साइड में ये पहला बेडरूम हो गया नीचे के जैसा ही, यहाँ देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 फीट है, और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 12 फीट है। इस साइड में 4 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का विंडो प्रोवाइड किया गया है, और ये सेल्फ है जो कि डेप्थ यहाँ 1 फीट 8 इंच है, और ऐसे 4 फीट 9 इंच है। और दूसरा बेडरूम सामने ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 फीट, और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 12 फीट 6 इंच है। फ्रेंड इसमें भी एक सेल्फ का प्रावधान किया गया है जो ऐसे 4 फीट है, और ऐसे यहाँ देखिए इस जगह से लेकर के इस जगह तक 1 फीट 9 इंच आ रहा है। और ये पैसेज सामने देख रहे हैं, ये 2 फीट 6 इंच का है जो बाहर बालकनी में आकर के खुल रहा है। और ये अग्निकोण में किचन का प्रावधान किया गया है, ये 2 फीट 3 इंच के चौड़ाई में यहाँ कुकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। और यहाँ विंडो के साथ साथ में ये एल शेप में है, एक्चुअली फ्रंट एलिवेशन में ये स्पष्ट हो जाएगा, ये नीचे तक खुलता है, ये W2 2 फीट की चौड़ाई में नीचे तक आता है कुकिंग प्लेटफॉर्म तक, और ये ऊपर में वेंटिलेटर का काम करता है, ये भी 2 फीट बाय 2 फीट का आ रहा है यहाँ। और इसके पीछे में ये देखिए एक सेल्फ दिया हुआ है यहाँ इसे, जिसका साइज कुछ इस प्रकार है, यहाँ से लेकर करके यहाँ तक 5 फीट 3 इंच है दिया हुआ, और जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 फीट 12 इंच रखा हुआ है। तो फ्रेंड ये था ग्राउंड फ्लोर और
फर्स्ट फ्लोर का प्लान, और देखिए यही है फ्रंट एलिवेशन। इस पोर्शन में रोलिंग शटर का प्रावधान किया गया, और यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर में रोलिंग शटर था इसके जगह पर कोलेप्सेबल गेट का प्रावधान किया गया है। तो आप पर निर्भर करता है कोलेप्सेबल गेट रखें या रोलिंग शटर, बेहतर होगा कि कोलेप्सेबल गेट ही रखें, सुविधा अनुसार इसको खोला जा सकता है। वैसे रोलिंग शटर को असमय खोलने पर थोड़ा साउंड ज़्यादा होगा, और इसमें है कि आप अपने सुविधा अनुसार छोटा बड़ा करके गेट खुला रख सकते हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर में आ रहा है, यही बालकनी बाहर निकला हुआ है जो कि 3.5 फीट बाहर निकल रहा है, 3 फीट 6 इंच, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 फीट 7 इंच है। और ये पैसेज वाला डोर है, यहाँ पैसेज में 2 फीट 6 इंच वाइड, और ये सामने में ये देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 4 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का विंडो। और यही किचन का है, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक 2 फीट की चौड़ाई में दिया हुआ है आपका, ये जो पूरा खुलेगा पल्ला। और ये देख लीजिए यहाँ से ये वेंटिलेटर वाला पार्ट हो जा रहा है जिसमें आप एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। और ये हो गया आपका ऊपर एसटीआर केस का, ये डोर 3 फीट की चौड़ाई में रखा हुआ है। तो ये तो फ्रंट ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का प्लान था, साथ साथ में फ्रंट एलिवेशन। अब चलिए इसका देखते हैं लेआउट प्लान कुछ इस प्रकार। इसमें जो भी पिलर आएंगे उनके बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को दर्शाया गया है, यहाँ से यहाँ तक। जैसे देखिए वर्टिकली 6 फीट 10 इंच, 4 फीट 11 इंच, सिमिलरली 10 फीट 5 इंच, और ऐसे में भी दिया हुआ है आपका 8 फीट 4 इंच, 4 फीट 6 इंच, 4 फीट 4 इंच, सिमिलरली यहाँ पर भी प्रोवाइड किया हुआ है साइज 9 फीट का है ये, और ये नीचे वाला 6 फीट 10 इंच, 4 फीट 11 इंच और 10 फीट 5 इंच। इसका किसी भी, जैसे इस कॉलम को, तो हम इस कॉलम को ऐसे बोलेंगे सी डी, यहाँ वाले कॉलम को बोलना होगा तो ये होगा ए ई, ये होगा ए डी। तो लेआउट के समय इसको आसानी से याद किया जा सकता है, और इस पर काम हो रहा है। तो कारीगर के साथ साथ आप भी अपने काम को मॉनिटर कर सकते हैं। और ये जहाँ जहाँ पर ये रेड कलर देख रहे हैं ये सभी पॉइंट बता रहा है कि यहाँ यहाँ पर पाइल होना है। तो फ्रेंड चलिए देखते हैं पाइल का भी डिटेल, ऐसा पाइल आपको प्रोवाइड करना है अगर आप G+1 तक जाते हैं। G+1 का ही ये प्लान भी है, तो ये आप देख ही रहे हैं इसमें सारा का सारा डिटेल दिया हुआ है। इसी को बोलते हैं शॉर्ट बोर अंडर रिम पाइल फाउंडेशन। इसमें ये बोर्ड आया हुआ, बोर्ड आया दिया हुआ है 10 इंच का बोर्ड आया होगा, इसको ये बल्ब बनाता है, इसे अंडर रिम कहते हैं, जिसका डाया रखना है 25 इंच। इसमें 4 mm का 4 ये मेन बार है, ये 4 mm डाया का 4 बार आपको यूज करना है। उसके बाद में ये स्टीरप्स है, ये रिंग जिसको बोलते हैं, ये इस एक दूसरे के 6 mm डाया का है ये, और एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस रखना है 7 इंच का ये, यह देखिए इसमें, और साथ ही 6 इंच सेंटर टू सेंटर, यहाँ से यहाँ 6 इंच है, और ये रिंग का जो साइज होगा वो आपका 7 इंच के डाया का होगा ये। इसके ऊपर में यहाँ देखिए ये आ रहा है अर्थ फीलिंग 3 इंच, फिर फ्लैट सोलिंग, उसके ऊपर में ये टाई बीम आ रहा है, यहाँ से जाकर करके आपका ऊपर वाला रेनफोर्समेंट बदल जा रहा है। ये 10 mm डाया का जो 4 बार हम लोग ले जा रहे थे वो यहाँ आ करके ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से ये 12 mm डाया का बार जाएगा। स्टीरअप वही रहेगा, स्टीरअप यारिंग, स्टीरअप एक्चुअली टेक्निकल वर्ड्स है, तो ये आ रहा है। और साथ ही साथ में इसमें 4 mm डाया का 4 बार जाएगा। इसके साथ साथ यदि आवश्यकता पड़ी तो क्रैंक में पड़ेगा छड़, 2 बार और देना होगा, वो निर्भर करता है
कॉलम टू कॉलम या पिलर टू पिलर डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो इसी केस में, इस केस में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी किसी जगह पर जहाँ पर 8 फीट से ज़्यादा का गैप बन रहा है वहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो फ्रेंड ये था पाइल फाउंडेशन का डिटेल। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं सेप्टिक टैंक का भी। तो इसमें भी ये डिटेल दे दिया गया है सारा का सारा। और ये सेप्टिक टैंक अभी तो आप पार्किंग वाले एरिया में भी डाल सकते हैं, या इससे बेहतर हो कि यहाँ पर भी स्टेयर केस में डालें। और ये जो साइज प्लान का ये सब जो निर्धारित किया हुआ है फ्रेंड, इसको आप सुविधा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। इसे नॉर्मली ये 5 फीट 6 इंच विड्थ रखा हुआ है और ये 10 फीट का है। से सारा का सारा चीज़ इसमें दर्शा दिया गया है, जिसके आधार पर आसानी से आप सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। सिंपल है बिल्कुल। सिर्फ फ्रेंड इसमें एक चीज़ बताना अनिवार्य है, कुछ बातें जो कि ध्यान में रखना चाहिए। जैसे नीचे में हम लोग फ्लोर बनाते हैं तो इसको थोड़ा इसमें स्लोप दें, जिधर से इन कर रहा है, इन जहाँ से हो रहा है उस साइड में, ये देखिए ये नीचे है और ये ऊपर है, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। वो ये 1:20 का स्लोप है, एक बात तो यहाँ ध्यान रखने वाली होती है। दूसरी बात ये यहाँ कि ये देखिए इन और ये आउट है, तो इस दोनों के लेवल डिफरेंस में देखिए, यहाँ ये जा रहा है और दूसरा यहाँ गिरने, ये दोनों के बीच में हमेशा कम से कम 2 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, ताकि इधर से जो भी मल इसमें आ रहा है और दूसरा यहाँ पर ये नीचे साइड में लगाएं, ये एल शेप में रहेगा, ताकि फोर्स से ये नीचे आएगा और वो टूटेगा और उसके बाद में इसो करके छन करके। और फिर देखिए यहाँ से एक्चुअली इससे पानी का सिर्फ वाटर ही आउट फ्लो होता है और जो सॉलिड पार्टिकल्स उसमें रहता है वो नीचे में सेटल्ड होता है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि इसका और इसका लेवल डिफरेंस 2 इंच का कम से कम हो, और इसके लेवल तक में ये देखिए 3 इंच थिक वेफल जो है दिया हुआ ये दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको हम लोग नीचे तक लाएं फिर दूसरा यहाँ से ले जाएं। एक्चुअली 10 to 25 ये 25 यूजर्स पर डे के हिसाब से बनाया हुआ टैंक का साइज़ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहाँ आउटलेट से आवश्यकता अनुसार यदि ड्रेन है तो उसमें से आप ले जा सकते हैं। छोटा सा सोख्ता प्रोप सॉकपिट प्रोवाइड करें जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पर कहीं पर भी, और उसके बाद में आप आउट ड्रेन म्यूनिसिपल ड्रेन में बाहर निकाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड ऐसा है, आज हम लोगों ने बहुत सी जानकारी कंस्ट्रक्शन संबंधित शेयर की है, जो कि आगे चलकर कंस्ट्रक्शन के समय फ़ायदा पहुंचाएगा। तो अगले दिन मिलते हैं फिर नए प्लान के साथ। थैंक यू, टेक केयर।